हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर प्रैक्टिस ब्लॉग। गाइस, तो आज का ये ब्लॉग हमें लगता नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी सुबह सुबह। देख रहे हैं पीचेस वीचेस कवर किए हुए हैं और जो ग्रास भी है वो भी काफ़ी भीगी हुई है, जिस पे हम ग्रास पे स्पिन भी नहीं खेल पाएंगे या फिर अंडर आर्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी लेदर बॉल है और भीगने के बाद ख़राब हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि भाई दो लेदर बॉल को यूज़ करते हैं और रोलर के ऊपर कैचिंग और हाई कैचिंग थोड़ी बहुत जो होगी शॉर्ट कैचिंग और फील्डिंग ये सब करते हैं और देखते हैं थोड़ी देर में मौसम कैसे रहते हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबूंदी हो रही है, तो उसके कारण पैड वेड हम लोग नहीं लगा रहे हैं कि पैड वेड भीग जाएंगे और भीगे पैड को कैसे उतने दूर ले जाएंगे फिर रूम पे। इसलिए सोचा कि भाई चलो कैचिंग फील्डिंग करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में जो बूंदाबांदी हो रहा है वो खत्म हो जा रहा है, तो नेट के ऊपर अंडर आर्म कट पुल की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी फील्डिंग सेशन। ले ले ले, आओ चल चल ग्राउंड पे, चल चल फील्डिंग करो, चल चल फील्डिंग करे, चल तो भाई साहब ग्राउंड इतनी ज़्यादा गीली है ना कि मैंने पुरानी पुरानी बॉल ही ली है, लेकिन उसमें से एक रेड बॉल जो है एक अच्छी रेड बॉल है जो मैंने सोदीसोपुर दो दिन पहले मैच खेली है उसी की मैच बॉल है, और ये अभी तो सेमी न्यू बॉल है, और वाइट बॉल है जो पुरानी है, लेकिन दोनों अभी भी टाइट टाइट बॉल है गाइस और दोनों ढीला नहीं पड़ा है, और इससे हम लोग करने वाले कैचिंग। Come on.
तो भाई साहब हमने पहले हाई कैचिंग की और उसके बाद थोड़ी फील्डिंग की प्रैक्टिसेस की सबने तीनों को इन्हें मिलके, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो अंडर आर्म प्रैक्टिस करते हैं, नॉकिंग करते थोड़ी बहुत डिफेंस टाइप की और कटपुल की। तो मैंने जब जूता पहन के करना स्टार्ट किया ना भाई, तो जूता में इतना मिट्टी लगा हुआ था कि पैर पूरा फिसल ही रहा था, तो फिर मैंने जूता खोल दिया और सॉक्स पहना ही था, पूरा सॉक्स भीजा ही हुआ था, लेकिन वैसे ही क्या कंफर्टेबल लग रहा था। वैसे प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छी तरह से मैंने अंडर आर्म की और उसके बाद आदर्श भाई को भी कराया, नीतीश को भी कराया, और अभी जा रहा हूँ गाइस ओवर आर्म करने, क्योंकि अभी नेट में तो पानी लगा ही हुआ है, लेकिन देखे कि जब लेदर बॉल पूरा ख़राब हो ही गया है तो पूरा ख़राब कर देते हैं, तो जा रहा है अब लेदर बॉल से ओवर आर्म करने। शाबाश, गिर जाएंगे कट में। तो फाइनली गाइस आज का हमारा रैनी सीजन का ये प्रैक्टिस ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, और आज के प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले तो वार्म अप करने के बाद में कैचिंग फील्डिंग की, और कैचिंग फील्डिंग के बाद अंडर आर्म डिफेंस ड्राइव और कट पुल की प्रैक्टिसेस, और उसके बाद थोड़ी ओवर आर्म बैटिंग की, लेकिन बीच में वर्षा आ जाती है फिर से, तो फ़ोन ज़्यादा भीगने के कारण कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसको अच्छे तरह से पूछा, फिर जैसे बारिश कम होता है ना भाई, फिर उसके बाद आते हैं बैटिंग करने, तो तब तक बॉल ही पूरा भीगी रहती है, तो इतना भारी हो गया था ना भाई कि ओवर आर्म मैंने छोड़ दिया करना, नहीं तो बैट फट भी सकता था, और ऊपर से बैट बारिश में बैटिंग करने की वजह से जो मेरा मैच बैट है, मेन बैट है जो मेरा,
वो नमी उसके अंदर चली गई है काफ़ी ज़्यादा, तो अब मैं उसे जाऊँगा तो अच्छी तरह से पंखे के नीचे रखूँगा सूखने के लिए। धूप में तो बिल्कुल ही नहीं रखने वाला हूँ, और लगभग 3-4 दिन उसे अच्छी तरह से सूखने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद वायलिंग करूँगा, फिर लगभग 10 दिन तो बैट मेरा रेस्ट में रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई है। और ऊपर से उसी अब जब वो बैट भी किया था तो पूरा पावर हिटिंग का भी प्रैक्टिसेस मैंने और नीतीश ने उसी से किया। कोई ना भाई, बैटिंग तो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन बीच में जब अच्छी बैटिंग हो रही थी तब बारिश आ जाती, उसी के कारण बैटिंग भी छोड़नी पड़ी और कैचिंग फील्डिंग लेकिन अच्छी से हो गई गाइस। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना गाइस, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फाइनली गाइस, आज की प्रैक्टिस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए प्रैक्टिस ब्लॉग या फिर मैथ ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।